अहम खबर ये भी आई है कि प्लास्टिक क्रश से तैयार बोतलें मुसरे सेहत करार दे दी गई हैं, खाने पीने की अशिया के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। पंजाब फूड अथॉरिटी ने SOP जारी कर दिया है। अहम खबर ये आई है कि प्लास्टिक क्रश से तैयार बोतलें मुसरे सेहत करार दे दी गई हैं, खाने पीने की अशिया के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। लाहौर न्यूज़ की TV स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक क्रश से तैयार बोतलें मुसरे सेहत करार दे दी गई हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने SOP जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि खाने पीने की अशिया इन बोतलों में नहीं बेची जा सकती। इसी हवाले से मज़ीद तफसीला जानेंगे इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा, मुजरे सेहत करार दे दी गई हैं बोतलें, अब क्या कोई क्रैकडाउन भी होगा इसके खिलाफ? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी पैकिंग मटेरियल रेगुलेशन के तहत महफूज फूड ग्रेड प्लास्टिक बोतल की तैयारी का मामला है, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी ने प्लास्टिक बोतल इंडस्ट्री के लिए SOP जारी कर दिए हैं। इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की क्रश से तैयार करदा बोतल का इस्तेमाल खाने पीने की बोतल में नहीं होगा। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन टाइट मोहम्मद उस्मान का कहना है सिर्फ फूड ग्रेड प्लास्टिक दाने से ही बनी बोतल खाने पीने की अशिया के लिए इस्तेमाल होगी, जबकि प्लास्टिक क्रश से तैयार करदा बोतल पर यह खाने की अशिया में इस्तेमाल के लिए नहीं लिखना लाजिम होगा और वार्निंग लेवल वाली बोतलें खाने पीने के अलावा बाकी अशिया के लिए इस्तेमाल हो सकेंगी। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन टाइट मोहम्मद उस्मान का ये भी कहना है कि फूड ग्रेड पर फार्म खाने पीने नॉन फूड ग्रेड पर फार्म बाकी अशिया की बोतलों के इस्तेमाल में हो सकेगी, जबकि प्लास्टिक क्रश से नॉन फूड ग्रेड बोतलें और खाम माल प्री फार्म बनाने वालों के लिए रिकॉर्ड रखना लाजिम होगा। नाफिस और मुजरे सेहत प्लास्टिक बोतल तैयार करने वालों के लिए के खिलाफ सुबह भर में क्रैकडाउन जारी किया गया है, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी ने फूड अथॉरिटी से बचने के लिए रात को काम करने वाले फैक्ट्रियों को पकड़ने की हिकमत अमली तैयार कर ली है और हमें बिल्कुल इतलात है कि जो जो लोग रात के अंधेरे में काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो विजिलेंस टीमें हैं वो स्पेशल ऑपरेशन टीमों के इंचार्ज बना दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आपने अपडेट किया।